राजधानी दिल्ली में लगातार टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। टमाटर शतक के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में टमाटर 80-90 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब ढीली हो रही है। महंगे टमाटर की वजह से लोगों के घरों में रसोई का स्वाद बिगड़ रहा है। पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसकी वजह से टमाटर की काफी फसल खराब हो गई। साथ ही पिछले एक साल से दिल्ली के बॉर्डर बंद हैं, जिसकी वजह से आवक में भी फर्क पड़ा है। दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। बजट हमारा पूरा लगभग बिगड़ ही चुका है, क्योंकि पहले तो हम लोग हमारी फैमिली में सैलेड में टमाटर का बहुत यूज करते थे, लेकिन अब जब से इसके दाम बढ़े हैं, 90-80 रुपए बिक रहा है बाजार में, तो 250-250 ग्राम लाकर ही काम चला रहे हैं। सैलेड से तो हमने खाना ही छोड़ दिया है सैलेड में तो, और सब्जी में ही हम एक या दो यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो डालना जरूरी होता है स्वाद के लिए थोड़ा बहुत। तो इसलिए बहुत ज्यादा बजट बिगड़ गया है और बहुत महंगा हो गया। 80-90 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है टमाटर, और 250-250 ग्राम ले आते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खाना जरूरी तो है ही थोड़ा बहुत। बुराड़ी इलाके में टोटल टीवी की टीम ने दुकानदारों से बातचीत की, जहां दुकानदारों ने बताया कि टमाटर के दाम पिछले दिनों से अब तक कई बार बढ़ चुके हैं। आजादपुर मंडी से ही टमाटर महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्हें भी महंगे टमाटर बेचने पड़ रहे हैं। कई ग्राहक तो ऐसे हैं जो टमाटर खरीदने के लिए तो आते हैं, लेकिन दाम पूछकर खाली हाथ उन्हें वापस जाना पड़ता है। टमाटर के दाम दिन ब दिन आसमान छूते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान है। ग्राहक तो बहुत है, कस्टमर का ये दिक्कत है कि इसमें महंगाई होगी। 70 रुपए से 70 रुपए था पहले 60 था, पर अब 80-90 रुपए हो गया है। पीछे से इतना महंगा हो चुका है कि हमारी हिम्मत ही काम नहीं करे लेने के लिए। मंडी में ऐसे चल रहा 1800 रुपए का, 1900 रुपए का डिमांड। इतना महंगा हो चुका है कि हमारी खुद जहाँ 10-20 कैरेट लेते थे, वहाँ 5 कैरेट सारी है। बाकी सब्जियों के फिर भी बेहतर है टमाटर के ज्यादा। आने वाले समय में भैया ये 100 रुपए भी पार कर जाएगा, 100 रुपए भी पार कर जाएगा। अच्छा, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में टमाटर के दाम में कमी आ सकती है, क्योंकि बारिश बंद हो गई है और डीजल के दामों में भी कुछ गिरावट आई है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।